गर्मी बहुत है मुंबई में, ये आप लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा है, लेकिन सियासत का पारा जिस तरह से खार से लेकर पाली हिल में चढ़ा चढ़ा जा रहा है, उससे लेकर बहुत सारी परेशानियां आने वाले दिनों में, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ड्रिलिंग मशीन से जब बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर की दीवारों के सीमेंट तक को गिरा दिया, तो ये बहुत कुछ कहता है उनकी नीयत के बारे में। और ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें संजय राउत से होते हुए मामला उद्धव ठाकरे तक पहुंच गया है, थाने में शिकायत कंगना के भी खिलाफ, तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कम से कम महाभारत की रणभेरी तो हो चुकी है। पंकज उपाध्याय, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजना। कल हम सबसे पहले गए थे उस रूम के अंदर जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया था और ड्रिलिंग मशीन से दीवारों के अंदर सेंध कर दी गई थी, जो पर्सनल फर्नीचर था उनको, उसको टॉपल कर दिया गया था, पंखे खींच दिए गए थे, आर्टिफैक्ट्स को गिरा दिया गया था, हरे रंग का जो कवर था उसको टॉपल कर दिया गया था, शीशे तोड़ दिए गए थे। तो इस अंदर जब गए, ये बात तो समझ में आ गई कि जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात जो बीएमसी कह रही थी, उसको तो डिमोलिश किया ही किया, उसको तो तोड़ दिया, लेकिन साथ ही साथ जो अलग बाकी चीजें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया। यानी जो हम बात कह रहे थे कि एक स्टेटमेंट भी तो था, एक सिग्नल भी तो देना चाह रही थी शिवसेना बीएमसी के माध्यम से कि अगर मुंबई में रहना है तो यहां पर शिवसेना के छत्र छाया में ही रहना पड़ेगा, और अगर कंगना रनौत की तरह कोई बयानबाजी करता है, इस छत्र छाया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो शिवसेना अपनी पुरानी स्टाइल में एक्शन लेगी। तो जो उद्धव ठाकरे की जो इमेज बनाई जा रही है कि अब वो शिवसेना एक मॉडरेट हो गई है, मॉडर्न हो गई है, अब वो गवर्नेंस की तरफ ध्यान देगी, अब इस बार तो कोविड की तरफ ध्यान देगी, वो इमेज भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कितने प्रीप्लांड तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सुनियोजित तरीके से यहां पर काम किया गया। एक तरफ तो पूरी राजनीति करी गई और दूसरी तरफ बीएमसी पर उंगली ना उठ जाए वहां पर क्या किया गया, सबसे पहले 10 से 12 इनफैक्ट 14 पॉइंटर्स बनाए गए जहां पर बीएमसी ने कहा कि यहां यहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, बाकायदा नोटिस दिया गया। और मजेदार बात तो यह है, मैं वहां पर मौजूद था, इससे पहले रिजवान सिद्दीकी पहुंच पाते और मुंबई पुलिस के अधिकारियों से और बीएमसी के अधिकारियों से कहते कि भैया जरा रुकिए, थोड़ी देर में मामला कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट का आदेश आने तक तो थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन उनको पहले तो 10-15 मिनट अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, दरवाजे पर उन्हें रुकाए रखा गया, तब तक अंदर काम चल ही रहा था, ड्रिलिंग मशीन चल ही रही थी, हथौड़े चल ही रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने नोटिस भी दे दिया, कहा थोड़े और रुकिए आप, हाईकोर्ट में जा रहा हूं मैं, अभी वहां आदेश आना है, उसके जब वो चले गए उसके बाद भी अंदर काम चल रहा था। तो यही मैंने उनसे कहा कि देखिए कोर्ट का ऑर्डर भी यहां लोगों ने नहीं माना है, तो उनका कहना है जी हां, ये उन्होंने नोटिस किया है, साथ ही साथ जो उनका जो पर्सनल आइटम्स था अंदर, उनको जो ध्वस्त कर दिया गया है, उसकी भी वो डैमेज सीख करने वाले हैं। कंगना ने कहा है उनके पास तमाम कागजात हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वहां पर कोई भी अवैध काम नहीं चल रहा था। कौन सच्चा कौन झूठा अब कोर्ट डिसाइड करेगा। यानी आने वाले दिनों में मुझे तो लगता है कि राजनीति भी चलने वाली है, क्योंकि शिवसेना ने तो अब ये इसको अपने अहम का मुद्दा बना लिया है, ईगो टसल हो गया है बीजेपी के साथ में, तो अपनी जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उसको और आगे बढ़ाएगी। मराठी मानस का जो मुद्दा है, मराठी अस्मिता का जो मुद्दा है, उसको वो और आगे लेके जाएगी। पंकज आ रही हूं मैं, मौसमी सिंह भी हमारे साथ दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई हैं। विद्या, अगर कोई भी हलचल वहां पर आप देख रही हैं तो जल्दी से बता दीजिए क्या है, फिर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे बीते दिन जो कंगना ने उद्धव ठाकरे पर कहा था, बात कीजिए। विद्या जी नहीं, देखिए दरअसल मैं अभी फिलहाल सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में हूँ। यहाँ सेशंस कोर्ट से अभी रिया चक्रवर्ती के बेल एप्लीकेशन की सुनवाई जो है वो चल रही थी। अभी जो इन्फोर्स नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वानखेड़े, वो अभी निकले, वो उससे सब जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि अदालत में क्या हुआ, क्योंकि अदालत में महाराष्ट्र या मुंबई की कोई भी अदालत में फिलहाल कोई भी अलाउड नहीं है अदालत के अंदर जाना, रिपोर्टर्स खासतौर से अलाउड नहीं है, क्योंकि कोरोना का समय है, इसकी वजह से एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।